सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को समन भेजा और उनसे पूछताछ की। रिया से सीबीआई की पूछताछ तकरीबन 10 घंटे तक चली, जिस दौरान उन्होंने इस मामले से जुड़े तमाम सवाल किए। आज भी सीबीआई इस मामले में रिया से पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सुशांत सिंह केस में सीबीआई के कोऑर्डिनेशन के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें नियुक्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि त्रिमुखे का पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित है। शुरुआती जांच के दौरान सीबीआई के साथ उनकी कई बार मुलाकात भी हुई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान है। कई बड़े देशों में हालात काबू से बाहर हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,63,333 नए मामले सामने आए हैं और 5,869 लोगों की जान चली गई। दुनिया भर में अब तक 2,48,79,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35,00,000 के करीब पहुंच गई है और 62,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 76,472 नए मामले सामने आए हैं और 1,021 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को महाना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सतीश महाना ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सतीश महाना ने ट्वीट में लिखा कि कोविड के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर कल मैंने टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस को लेकर सर्दियों से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर चेतावनी दी है। यूरोप में WHO के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि सर्दियां आते ही यूरोप समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस के मामले में फिर से तेजी आ सकती है। एक्सपर्ट ने सर्दियों से पहले लोगों को तैयार रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर शुरू हुआ। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक और सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को नजरबंद कर दिया गया है। उनको उनके ही घर में 2 दिन के नजरबंद किया गया है। जिला प्रशासन ने यह कदम मुहर्रम के दिन होने वाला भंडारा रोकने के लिए उठाया है। कोरोना संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक के निर्देश पर बैंकों ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों को राहत देते हुए लोन की किश्तों के भुगतान पर 6 महीने की छूट दी गई है। छूट या किस्त भुगतान पर रोक की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही थी, अब इसे 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। देश के कई राज्य इस समय बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक सैलाब के कहर से परेशान है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में नदियों नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ के पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।